हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कपलिशियस व्लॉग्स। सो अब है सेकंड सहरी की तैयारी, तो हमारी सहरी ना हो जाती है 3:39 पे मेरे ख्याल से। आज बंद होनी है, अभी अजान हो रहा था तो अभी टाइम हुआ है, मोबाइल से देखते हैं समथिंग 3:34 साइड, सम 3:34। तो मैंने ना वजू वगैरह किया, तो मैंने कहा चलो कल मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, लेकिन अब मैंने टाइम देखा है तो टाइम जैसे लग रहा है कम। मैं कल भी हमसे ना चाय नहीं थी, एंड पे पी गई और रोज़ा ख़त्म हो गया था, मतलब रोज़ा बंद हो गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले ना अफ्तारी सहरी कर लें, फिर उसके बाद अजान से पहले ना सहरी करते साथ ही मैं पहले तहज्जुद पढ़ लूँगी, फिर नमाज वगैरह की तरफ हो जाऊँगी। और अभी वकास को मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि वकास ने सुबह जाना है आज, तो मतलब कल उन्होंने ऑफ किया था, सुबह उन्होंने जाना है। और वो खैर से सफ्तारी के बाद ना ईशा के बाद सो गए थे और 10:30-11 बजे उठ गए थे। तो मैं अब उन्होंने कब सोए हैं, अब वो सोए हैं कोई घंटा हुआ है, वो सो गए हैं। तो मैं उनको मैं क्या उठाऊँ, मैं साड़ी ना सहरी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं उनको उठाती हूँ सहरी में, वही जो रोटी रोटी बनाऊँगी और साथ सालन या दही दही में हासिल का इरादा है, दही के साथ इनको पराठे दे देती हूँ, वो सहरी करते हैं, साथ चाय बनाती हूँ और जल्दी से स्टार्ट होते हैं, कहीं कल की तरह फिर से हमारी चाय रह ना जाए। चलो रख दिया ताकि सारे काम ना आसान हो जाए, रोटियाँ बना लूँगी तो हमारी चाय भी बन जाएगी। और ये मैंने टॉमिन के आलू भी उबाल कर रखे हैं, बस फटाफट स्पीड मारते हैं। ये मैंने दो रोटियाँ बेलनी हैं, तीन ही बनानी है, दो रोटियाँ बेलनी है, तवा गर्म तो बारी बारी पकाते हैं। कुछ टेबल पर लगा दिया है, वो घास भी खुद ही उठ गए हैं, घास तहज्जुद कर चुके हैं। तो ये हमारी सेकंड सहरी हो गई है माशाल्लाह, अफ्तारी मारी होगी इस दफा। आज हमने सुकून से अफ्तारी की है, टाइम पे ही मतलब मैं उठ गई थी, पहला रोजा बड़ा तरह हो गया था डिस्टर्ब, अब हमारी रूटीन जरा सेट हुई है, सेकंड में आके अब हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि अब चाय का टाइम है, अब चाय पीते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट जाके दो रकात ही पा रहा हूँ या फिर रकात पा रहा हूँ, जो भी है सीन देखती हूँ, फिर फजर पढ़ेंगे और तलावत करके सो जाएंगे। और एक और चीज़ हो गई है, पहला ही रोज़ा विकास को बड़ा चढ़ा हुआ था, जो ठंडा पानी मिले मुझे अफ्तारी में, ठंडा पानी होना चाहिए, तुमने पानी नहीं लगाया फ्रिज में, दिन में कोई 3 दफा पूछा। और अब जनाब के गला इतना को खराब हुआ है ना कि कह रहे मैं पानी भी पी रहा हूँ, पानी भी गले में लग रहा है। ये देखो बोल दी बंद हो गई है। इतना सारा दिन बहुत पेन हो रहा है, इतना सारा दिन आपने मुझे कहा पानी रखा, वाले रखा तो पानी भी रखा, फिर उसके अलावा टैंक में आया था वो भी मैंने फ्रिज में रखा इनकी वजह से, क्योंकि इनको तो उतरना ही नहीं था, वो ही लगे मेरे जन, हालांकि वो इतना खट्टा भी नहीं था, मैंने नॉर्मल सा ही रखा हुआ था। पानी ठंडा पानी होने की वजह से ना आपको लग गया। सो अब कल से पानी ठंडा खत्म, अब हम आएंगे सादे पानी पे। तो अभी मैंने इनको सिरप भी पिलाया था, दिखाना जरा, ये इनको सिरप ला के दिया गले खराब का, ये देखो इसको क्या बने भाई, इसको क्या कहते हैं, लंग्स उर्दू में, फेफड़े बने। सो और दूसरा इनकी जरा टांग में फिर दर्द निकली हुई है,
तो दर्द नमाज पढ़ने की वजह से इनके पहले वो मेरे घुटने का एक्सीडेंट हुआ था उसका भी ब्लॉग पिक्चर में आया था, तो वो दर्द इनकी अभी तक प्रॉपरली नहीं गई। अब नमाज पढ़ते हैं ना, उठते हैं, चलते में जाते हैं, खड़े होते हैं, तो इनकी फिर दर्द स्टार्ट हो गई है। तो अब इन्होंने चेयर पे बैठ के फिलहाल तहज्जुद पढ़ रही है। दुआ करना साहब के जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और सही तरह नमाज पढ़ सकें खड़े होकर। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे फिर हम सो जाएंगे, और फिर हम जब सुबह उठेंगे ना, सुबह अवकाश से जाना है तब मैं उठूँगी। एक दफ़ा टॉमिन ने उठना है क्योंकि अभी वो सोया हुआ, उसने कुछ खाया पिया नहीं, कल उसने इस टाइम हमारे साथ ही खा पी लिया था, तो आज वो जनाब सोए हुए हैं। तो अब सुबह हम उठेंगे, पहले टॉमिन साहब को नाश्ता कराएंगे, फिर अवकाश जाएंगे तो दरवाज़े वगैरह बंद करेंगे, फिर उसके बाद मैं उठूँगी 11:30 के करीब, फिर उठ के नमाज वगैरह कुरान शरीफ अपनी रूटीन में आऊँगी। तो अब व्लॉग कंटिन्यू हम सुबह करेंगे। फ्राइडे है आज और फ्राइडे की मॉर्निंग देखें सर आप क्या फील है, ये चेक करें आप लोग। बहुत तेज बारिश हो रही है यार, फुल स्पीड में इस टाइम बारिश बरस रही है। रमजान का पहला जुम्मा है और मौसम देखें कितना मजेगा हो गया, ठंडा ठंडा रोज़ा गुजरेगा। ऑलरेडी तो रोज़े बड़े अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह जितना रोज़ा है, लेकिन आज जो मौसम है ना इतनी मोटी मोटी बारिश है ना, ये चेक कर रहा हूँ और बादलों की आवाज़, बारिश भी तेरी है, एंगल चेक करें बारिश का, ये ऐसे है बारिश। रमजान के फर्स्ट फ्राइडे में ही बारिश, और इस दफा रमजान में 5 फ्राइडेज आने हैं, और ये वाला टॉम ही तो बैठ नहीं आने देते ना, ये इधर ही बैठा हुआ है मेरे साथ, तो बहुत मजे का मौसम हो गया। मैं तो उठ के बाहर आ गई क्योंकि जी नहीं कर रहा था इतनी मजे की बारिश में अंदर बैठने का, बहुत मजे का मौसम हो गया है। और लिटरली इस मौसम में पकौड़े समोसे सही मजे खाने का जी जाता है। मैं स्टार्टी में क्या बनाती हूँ, हो सकता है ना ही बनाऊँ क्योंकि अभी हमने कल फ्राई चीज़ें खाएँ थी, तो डेली फ्राई आइटम नहीं अच्छी होती हैं आपके लिए, तो बस मैं बेचारा में इधरी बैठूँ और वेदर इन्जॉय करूँ। एकदम वो मौसम बारिश की वजह से ना एकदम ही हवाएं तेज चलने लगी हैं, तो इतनी वो ठंड लगी है मुझे, तो मैंने ना ये ऊपर अपनी शर्ट पहन लिया, ठंड लगने लग गई थी तो मैंने वजू किया। वजू के बाद इवन पानी बड़ा ठंडा मुझे लगा, पानी पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं बाहर इतनी देर ऐसे ही बैठी रही हूँ मौसम इंजॉय करके बड़े मज़े से, लेकिन जब मैंने वजू किया मुझे पानी इतना ठंडा लगा तो उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जर्सी डालूँ, तो मैं फिर से जर्सी पहन के आ गई हूँ। हजाब कर लिया, फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर अपनी कुकिंग की तरफ होते हैं। कुकिंग की तरफ लगी हुई आवाज़ भी आपको पीछे से आ रही होनी है। मैंने आज बनाने हैं लोबिया चने, लोबिया चने आलू प्याज खट्टे वाले बहुत बनाने हैं, और बस साथ ना आज बना रहे हैं चने, चनों का ही सालन बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो सारी शहरी में चनों के साथ रोटी खा लेंगे बकाज, और अभी उठेंगे अभी तो सोए में उठते हैं तो उनकी तबीयत पूछती हूँ क्या हालात है, चावल उन्होंने खाना नहीं क्योंकि उनको रेशा और गला खराब हो रहा है, बुखार भी उनको हल्का हल्का है, और फिर चने जो भी चने बना रही हूँ तो है होने तो वो भी खट्टे हैं, देखती हूँ क्या बनता है। ये लोबिया चनों का मिक्सचर है तो उसमें चने डालने हैं, मैंने साइड पर थे मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ, ये मेरी जो मैंने सालन में सहरी के लिए वो तैयार कर रही हूँ, बस ये सब कुछ चल रहा है, बकास अभी भी सोया हुआ है। ये सोई गाँव क्या हाल चाल, लगता काफी रोजा लग रहा है? नहीं रोजा नहीं लग रहा, फिर टांग लग रही है? टांग तो नहीं लग रही, टांग भी बहुत दर्द यार, ना करो ना क्या चेक कर रही हूँ,
बुखार तो नहीं है आपका मुंह, मतलब गर्म तो नहीं है? जो समोसे की पट्टियां होती है ना या जो रोल की होती है उनके हम ना बना लेते हैं, पापड़ी बना लेते हैं। काम कराने का अपना ही मजा। चलो चलो बाहर, चलो 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 इधर नहीं, बाहर 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 चले चले चले। सो आज की हमारी अफ्तारी सिंपल सी, बस हम लोगों ने पापड़ी चाट बनाई है अफ्तारी में, बाद में हम लोग डिनर करेंगे, खजूर से रोजा खोलेंगे और पापड़ी चाट खाएंगे, साथ शरबत पियेंगे। और ये यहाँ पे बैठे हैं जो सो के उठ के आए हैं बेचारे, बहुत बीमार हो गए हैं। पहले रोजे भी होगा, बाकी सारे अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। और ठंडा पानी पिया आज मैंने, शरबत बनाया फ्रिज से, पानी नहीं होगा ही नहीं आज, टैंक है ही नहीं, नहीं आज सादा नहीं। शरबत भी मैंने जगड़ बनाया ना, तो पानी मैंने ना मिक्स कर दिया और बना के बाहर ही रखा हुआ है, तो आप पी सकते हैं ठीक है। और वैसे बहुत खतरनाक मौसम हुआ है, ठंडा पानी तो अवॉइड ही करना चाहिए। मैंने इसलिए तो जर्सी पहनी। तारी के बाद नमाज वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा सो गए, 20 मिनट में मेरी आंख लगी है, फिर मैं उठी, मैंने फटाफट चाय बनाई क्योंकि मुझे था कि गैस ना चली जाए। और मैं चाय के साथ खाऊंगी बिस्किट अपना, और फिर इस ब्लॉग को मैंने कहा मैं एंड भी करूँ। इस टाइम मेरा फेस इतना फ्रेश लग रहा है ना मुझे, ऊपर से मेरी यहाँ आई सूजी है। टॉमिन, ये टॉमिन को ना मार खानी इसने, चल बा हमारे सोफे खराब करेगा ये टॉमिन। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, पता नहीं क्या मैंने ब्लॉग शूट किया, अभी एडिट करूंगी तो पता चलेगा। सेकंड ब्लॉग था ये रमजान का, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।